रियान किधर है? Everyone, welcome to our channel Ektiriansh in the new year 2022. Hope you all have enjoyed the new year very much. So, हम लोग भी आज सिमचा एडवेंचर पार्क में आए हैं जो कि इंदौर एमपी में सिचुएटेड है. इंदौर से ये 20 किलोमीटर आउटसाइड है लेकिन बहुत ही अच्छी प्लेस है. अगर आप एमपी में रहते हैं तो इस एडवेंचर पार्क में जरूर विजिट कर सकते हैं. गाइस उज्जैन के कंपेरिजन में यहाँ का मौसम थोड़ा सा गर्म है तो रियांश की ड्रेस हमने चेंज कर दी है एंड अब यहाँ पर हम चलते हैं कैंपस में. थोड़ा सा हम लेट हो गए थे तो ज़्यादा एडवेंचर नहीं कर पाए, बट यू कैन ऑल्सो स्टे ओवर हियर फॉर नाइट. होटल सागर इसी कैंपस में है. ये मेरी सिस्टर है. आज व्लॉग में मैं अपनी फैमिली से भी आपको मिलाने वाली हूँ. तो हम लोग थोड़ा सा लेट इसलिए हो गए थे क्योंकि 31st को रियांश की तबीयत ठीक नहीं थी एंड इसने वॉमिट किया था. तो जाएँ या ना जाएँ की कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा पहुँचने में, यहाँ पर हम 3 बजे दोपहर में पहुँचे हैं. अगर आप सुबह से आते हैं 12 बजे ये ओपन हो जाता है तो काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं. बहुत सारे एडवेंचर्स हैं एंड ये कैंपस हम स्टार्ट करते हैं. अभी गेट पे हैं हम लोग एंड टिकट काउंटर पे हम लोग जा रहे हैं. देखते हैं कैसा क्या है टिकट का, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी बिकॉज रियांश की तबीयत की वजह से. देखिए आप देख रहे होंगे कितना एग्जॉस्टेड लग रहा है, बट उसकी जिद की वजह से ही आए हैं. उसने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा ही, आपने बोला था प्रॉमिस किया था तो चलेंगे ही. और भीड़ काफ़ी थी फर्स्ट को यहाँ पर, तो लगा कि क्या पता अंदर जाएंगे तो एडवेंचर कर भी पाएंगे या नहीं. तो फिर बाहर उन्होंने एक ऑप्शन रखा हुआ था 125 का एंट्री टिकट. फिर अंदर जो भी एडवेंचर्स हैं आप उन्हें अपने हिसाब से टॉप अप ले करके टिकट्स ले करके एंजॉय कर सकते हैं. तो ये ऑप्शन थोड़ा कंफर्टेबल लगा हमें भी. अदरवाइज़ आप पूरा एंट्री टिकट देते हैं, पैकेज लेते हैं एंड अंदर आपको भीड़ की वजह से उसे करने ही नहीं मिलेगा. वेटिंग बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है. और हम लोग को जल्दी यहाँ से निकलना भी है क्योंकि 11 बजे कोविड की वजह से कर्फ्यू हो जा रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये है रियांश की मौसी और रियांश एंजॉय करते हुए. यहाँ पर हम लोगों ने बैंड बांध लिया है एंट्री के लिए एंड अब ये देख रहे हैं आप कैंपस. इस तरह से पूरा मैप दिया हुआ है और एडवेंचर्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. मैं वेबसाइट भी मैंशन कर दूंगी अगर आपको उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो. गाइस वीकेंड में 8 PM पे क्लोज हो जाता है, अदरवाइज ये 10 PM तक खुला रहता है. एंड यहाँ पर देखिए ये गो कार्ट का ट्रैक आप देख रहे हैं. काफ़ी ओपन एरिया है. अभी अंदर फूड भी अलाउड है, आप ले जा सकते हैं अपना. अदरवाइज यहाँ पर कैफे ऑप्शन है अंदर एंड काफ़ी कॉस्टली है अंदर, लेकिन आप अपना खुद का भी यहाँ पर ले जा सकते हैं अगर कुछ लंच पैक करके ले जाना चाहते हैं, डिनर पैक करके ले जाना चाहते हैं तो. ये देखिए हाई राइज एडवेंचर है लेकिन यहाँ पर वेटिंग काफ़ी है. देखते हैं हम लोग को क्या क्या करने मिलेगा, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर यहाँ पर शेयर करूँगी. तो अगर आप वीकेंड्स या स्पेशल डे को छोड़ करके यहाँ आते हैं तो इतना रश नहीं रहता, आप सारे एडवेंचर एन्जॉय कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम जंप HQ में आ गए हैं एंड आप शूज़ देख सकते हैं. शू रेक के अलावा बाकी सारे शूज़ नीचे डले हुए हैं. शू रेक तो फुल हो चुका था तो हम लोग भी यहाँ पर एंटर कर रहे हैं. एंड क्यू में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है. तो हम लोग सोच रहे हैं क्या करें, लें या ना लें, टिकट कब नंबर आएगा. बट फिर काफ़ी सारे लोगों को अंदर एक साथ छोड़ रहे थे तो हमने कहा चलो टिकट ले लेते हैं. अब टिकट काउंटर पे हमने जा करके टॉप अप ले लिया. ये 350 रुपीज़ का टिकट सॉफ्ट टॉयज एंड ऑल जो किड्स के लिए अंदर रहता है वो सब था. एडवेंचर्स एज एंड हाइट के हिसाब से होते हैं. तो ये रियांश की हाइट देख लेते हैं एंड वाओ ही इज़ ऑलमोस्ट 4 फीट ग्रोन अप नाउ. एडल्ट्स का भी यहाँ पर 350 रुपीज़ पर हेड था. तो हम लोगों ने मेरे ब्रदर, मैंने और मेरी सिस्टर का टिकट ले लिया था एंड रियांश के पापा रियांश के साथ चले गए थे क्योंकि एक गार्जियन अलाउड है किड्स के साथ. तो फर्स्ट फ्रेम में आप देख रहे हैं मैं ट्यूब पे स्लाइड करते हुए आ रही हूँ, सेकेंड में बास्केटबॉल प्ले कर रहे हैं ट्रम्पोलिन पे एंड थर्ड में इस तरीके के काफ़ी सारे एडवेंचर्स थे जो मेरा ब्रदर भी कर रहा था. एंड ये रॉकेट एजेक्टाइल है आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लग रहा है बट बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस है, एक बार ज़रूर आप करना. एंड ये साइक्लिक एंड ऑल थोड़ा सा चीप था, आई थिंक 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ का था. हम लोगों ने ये नहीं किया. टॉय ट्रेन अवेलेबल है एंड किड्स के लिए भी रॉकेट इजेक्टर है, लेकिन हमने रियांशु नहीं कराया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. उसने कुछ खाया नहीं है आज दिन भर से, सिर्फ मिल्क पी के वो चला है. तो रियांश का यहाँ पर टोटल डिटॉक्स हो गया है बॉडी, क्योंकि उसने सिर्फ मिल्क और फ्रूट्स की एनर्जी से इतना ज़्यादा एंजॉय किया है. वॉज अमेज कि बच्चों को उनके फेवरेट ट्रैम्पोलिन ऑल मिल जाते हैं तो उनको फिर कुछ नहीं चाहिए, बिना खाने के भी वो लोग इतनी मस्ती कर सकते हैं. सो ही एंजॉयड अ लॉट. तो बच्चों को आप ज़रूर वहाँ लेकर के जाएँ. उसका फेवरेट सैंड प्ले भी यहाँ पर अवेलेबल है और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स थे. टाइम की कमी की वजह से हम लोग कर नहीं पाए तो ये काफ़ी सारे ट्रैम्पोलिन, ये सब हमने 350 रुपीज़ में ही एक टिकट लिया, उसमें ही इतने सारा हम सब ने एंजॉय
एंजॉय किया, इसमें ही इतना टाइम खत्म हो गया कि बाकी भूल भुलैया एंड ऑल तो हम एंजॉय नहीं कर पाए। ये मेरी मम्मा है जो काफ़ी एंजॉय करी, मतलब हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। मम्मा ने और रियांश के फादर ने भी स्पाइनल मसाज लिया था, 100 रुपीज़ में 15 मिनट का स्पाइनल मसाज, इतना एनर्जी दे देगा ये मुझे नहीं पता था। काफ़ी ऑसम एक्सपीरियंस था उन लोगों के, ये ऐसा कहना है। अब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो मैं भी ज़रूर लूँगी। तो वी एंजॉयड अ लॉट इन दिस न्यू ईयर इवनिंग एंड आई होप आप सबका भी आने वाला साल बहुत बहुत अच्छा हो। सभी को भगवान हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी और जो भी हमारे ड्रीम्स है वो सारे सच हो। तो ऐसी ही शुभकामना के साथ अब मैं ब्लॉग को एंड करूंगी एंड हमारा तो ये एडवेंचर हाफ ही रह गया, तो हम जरूर एक बार और विजिट करेंगे यहाँ पर एंड नेक्स्ट टाइम जल्दी से जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें। और काफ़ी सारी जगह हैं जो हम जा ही नहीं पाए, तो अब चलते हैं हम एक चारपाई ढाबा पे, उसका व्लॉग मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी आपसे। और उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा एंड या प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।